का मेकअप लुक टू. सो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है. सो ये कुछ साड़ी वाला लुक है जो आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर इसे ट्राई आउट करोगे. अगर आपको जानना है कि मैंने ये सिंपल लुक कैसे अचीव किया है तो मेक श्योर मेरा वीडियो एंड तक देखो. और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, उसके ऊपर वो जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दे ताकि आप मेरे हर एक वीडियो से नोटिफाइड रहें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो मैं सबसे पहले इस लुक के लिए अपने आईब्रोज़ को फिल इन करूँगी जो कि है ही नहीं, इनविजिबल है, तो उसे विजिबल मुझे करना पड़ेगा. तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउन शेड लिया है पाउडर कलर और उसे मैं अपने आईब्रोज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से फिल इन कर लूँगी. उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उससे और शार्प और एजी लुक दिखाने के लिए मैं कंसीलर से कुछ इस तरीके से उसे अप्लाई कर लेती हूँ कंसीलर को. उसके बाद उसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी. ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर है. अगर आप चाहो तो इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो. ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी. उसके बाद कुछ इस तरीके से टेप लगाएंगे और ये ब्लैक शेड लेंगे. इसमें जस्ट 3 ही कलर अप्लाई होने वाला है गाइज और बहुत ही ईजी लुक है. तो मैं अपने बिल्कुल लैश लाइन के क्लोज ये ब्लैक शेड को इस तरीके से लाइनर के तरीके से अप्लाई कर लूँगी. बहुत इजी है ये लुक. मैंने जो फर्स्ट लुक अप्लाई किया था वो थोड़ा पिंकिश में था, तो आप चाहते थे बहुत कुछ चाहते थे कि कुछ न्यूट्रल करूँ मैं, तो बस ये बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही सिंपल लुक है. आप इसे साड़ी, सूट या कोई भी आउटफिट के साथ कैरी आउट कर सकते हो. उसके बाद मैंने वो इसके बाद इस पैलेट में से मैंने कुछ ये डार्क ब्राउन शेड लिया है और उस जो वो जो मैंने ब्लैक कलर अप्लाई किया था उसके उसे मैं बिल्कुल इस कलर से बिल्कुल ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट आए. ये एक तरह का स्मोकी आई हो गया. उसके बाद मैं उस कलर को बिल्ड कर रही हूँ. अब धीरे धीरे कलर करके कलर को बिल्ड करें, एक ही बार कोई कलर ना अप्लाई कर ले. उसके बाद जो ये गोल्डन सा शिमर कलर था इसी पैलेट में से मैं ले रही हूँ. आपके पास कोई भी गोल्डन हो बिल्कुल हल्के हाथों से आपको पूरे जहाँ जहाँ आपको कल जहाँ जहाँ आपने दोनों कलर को अप्लाई किया है उसमें अप्लाई कर लेना है आपको कुछ इस तरीके से. देखिए कितना सिंपल सा लग रहा है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है. अगर आप कहीं डे आउट पे जा रहे हो तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल भी शन में बिल्कुल ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा. उसके बाद मैं टेप रिमूव कर दूँगी और ये इस तरीके का कुछ विंग लुक आया है. सोया तो उसके बाद मैं थोड़ा सा जहाँ पे मैंने टेप अप्लाई किया था वो थोड़ा सा मार्क छोड़ देता तो उसे ब्लेंड कर रही थी मैं. उसके बाद मैंने दोनों आईज़ पे अप्लाई कर लिया है. उसके बाद मैं यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करूँगी. प्राइमर के बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन और उसे ब्लेंड करेंगे. उसके बाद मुझे थोड़ा सा कवरेज चाहिए था अपने आई साइड पे और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत है कंसील करने की, तो मैं वहाँ वहाँ कंसीलर अप्लाई कर ले रही हूँ. और मैंने बेस अप्लाई करते हुए इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने हर एक वीडियो में बेस अप्लाई करते हुए दिखाया है और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया कि आप अपने बेस को फ्लॉलेस कैसे रख सकते हो, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूँगी. सो मैंने बहुत दिन से पाउडर कंटूर कर रही थी तो मैंने सोचा आज क्रीम कंटूर करते, तो मैंने ये स्टिक कंटूर लिया है और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे कंटूर की ज़रूरत है मैं वहाँ अप्लाई कर ले रही हूँ. कंटूर बेसिकली होता है ताकि आपके फेस को वो थोड़ा सा शार्प और एजी लुक दे, ठीक है. तो फिर उसके बाद मैं इस ब्रश की हेल्प से, कॉन्ट्रो ब्रश है, इसके ब्रश से हेल्प कर दूँगी, ब्लेंड कर दूँगी. उसके बाद ये ब्लेंड हो चुका है. उसके बाद मैं यहाँ पे न्यू ब्लश ले रही हूँ, ये है वेट एंड वाइल्ड का ओम्ब्रे ब्लश. सो ये बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है आपके फेस में, बिल्कुल भी चंकी नहीं लगेगा, बहुत ही इन अ काइंड ऑफ ग्लो आपको प्रोवाइड करेगा ये. डे टाइम के लिए बहुत ही अच्छा ब्लश प्लस हाइलाइटर है, ये बेग ब्लश है तो ये हाइलाइटर का भी काम करेगा, तो आपको हाइलाइटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी. सो या तो मैं जहाँ जहाँ ब्लश अप्लाई करती हूँ मैं वहाँ पर ब्लश अप्लाई कर ले रही हूँ, थोड़ा सा नोज़ पर, थोड़ा सा चिन पे, या तो ये हो गया. उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सारे प्रोडक्ट को अपने फेस पे
डैब मोशन में इस तरीके से प्रेस करके बिल्कुल इवन कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया है लिपस्टिक। सो मैं अपने लोअर लैश लाइन को करना भूल गई थी, तो मैंने वहाँ पे सेम ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करके अपने लोअर लैश लाइन पे लगाया है, तो ये मेकअप लुक पूरा कंप्लीट लग रहा है। So here's the my final look. I hope you enjoyed this look and you like this look. If you like it, give a big thumbs up, subscribe to my channel, and thank you so much for watching, guys. Love you all. Bye bye. All the things.